बड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग आईपीडी टावर में मरीजों का फ्री इलाज होगा। इसकी आधारशिला सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को रखी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 के उद्घाटन के मौके पर अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त आईपीडी टावर का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और वातानुकूलित बिल्डिंग में लोग चंद समय से ही हेलीकॉप्टर से आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टावर को बनने में जो समय सीमा तय की गई है उससे पहले इसको बनाकर तैयार किया जाएगा, यानी कि देश के चिकित्सा जगत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर का मुख्यमंत्री गहलोत ने शिलान्यास किया है। दूसरी बड़ी खबर, रावत भाटा में देवा गुर्जर हत्याकांड में गतिरोध अब खत्म हो गया है। परिजनों और पुलिस के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जानकारों के मुताबिक इस केस की जांच रावत भाटा की जगह कोटा में की जाएगी। रावत भाटा सीआई राजाराम को लाइन हाजिर करने, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख मुआवजा दिलाने और आश्रित को नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने, सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने पर सहमति बनी है। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने परिजनों को सभी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, रावत भाटा में देवा गुर्जर 4 मार्च की शाम को सैलून पर आया था। इस दौरान एक दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी लाठियों से उस पर हमला कर दिया। देवा की इलाज के दौरान कोटा में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और गुर्जर समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सीकर से हाथ में झंडा लिए दौड़कर दिल्ली तक का सफर तय करने वाले सुरेश भिंचर ने आर्मी भर्ती शुरू करने की मांग की है। सीकर के रहने वाले इस युवक ने कहा है कि मैं ओवर एज हो चुका हूं, परंतु मैं उन युवाओं के लिए दिल्ली तक दौड़कर आया हूं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हर जिले में 20,000 युवा तैयारी में जुटे हैं। इन युवाओं के हितों के लिए हक मांगने दिल्ली आया हूं। आपको बता दूं, भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा रखने वाले सुरेश भिंचर ने 350 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। सीकर से 29 मार्च को दौड़ते दौड़ते 2 अप्रैल को भिंचर दिल्ली पहुंचे। नागौर के नावा क्षेत्र में भिंचरों का बास गाँव के रहने वाले 24 साल के सुरेश ने हाथ में तिरंगा लेकर यह दौड़ लगाई। सुरेश ने कहा, 2 साल कोरोना के कारण भर्ती में रिटर्न एग्जाम पर रोक है। सेकावाटी और नागौर के युवा सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन युवा ओवर एज हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि भर्ती जल्दी निकले। एक और बड़ी खबर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से 1 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि 4 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में रमजान के महीने में बिजली कटौती नहीं की जाए। विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी इस आदेश के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष सहित कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस आदेश की आलोचना की है, जिसके बाद राजस्थान में विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ा तो विद्युत वितरण निगम ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। वहीं उस आदेश में रमजान शब्द को हटाते हुए गर्मी सहित अप्रैल के महीने में आने वाले त्योहारों का जिक्र करते हुए बिजली कटौती नहीं करने का फैसला किया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1092 पदों पर होने वाली JEE भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 7 से लेकर 9 मई तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड की ओर से हर दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी की सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 से लेकर शाम 4:30 बजे तक होगी। बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मई के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। एक और बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार वृद्धि जारी। आज भी पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल के दाम 118.3 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है और डीजल 100.93 रुपए पहुंचा। देखिए, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के मूल्यों से अब रसोई का स्वाद भी बदलने लगा है। वहीं आम उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार बढ़ रही है। गर्मियों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला नींबू 350 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हरी मिर्च भी 80 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह तक सब्जियों के दाम नहीं उतरेंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान के आसमान में आग बरस रही है, गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिन में अब पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, अभी और बढ़ेगा तापमान। हालांकि कल शाम को हल्के बादल आने से किसानों की चिंताएं एक बार जरूर बढ़ गई, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। एक और बड़ी खबर देखिए, छोटी सी
लापरवाही के कारण कभी कभी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। जैसलमेर में चलती बस में करंट दौड़ने से दो सगे भाइयों सहित तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जान बचाने के लिए कई लोग बस से कूदे। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। रोड पर बिजली के लटकते तारों की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ है। बस में सवार लोग संत सदाराम के मेले में दर्शन करने गए थे। बताया जा रहा है कि बस में ठूस ठूस कर सवारियां भरी गई थी। तो फिलहाल यही थी परदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।